फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक टूल को जानते हैं, जो टूल शायद काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया है कि टूल बार में ये जो टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, इसका क्या यूज होता है और इसे कैसे यूज करना चाहिए। उसके बाद स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये दोनों टूल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल अभी बता दूं, स्लाइस टूल जो यूज किया जाता है वो उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। वो जब आप कोई डिजाइन करते हैं वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट का होम पेज डिजाइन करते हैं या कंप्लीट वेबसाइट ही डिजाइन करते हैं, और उसको जब डिव में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि एचटीएमएल कोड में कन्वर्ट करना होता है, तो स्लाइस टूल का यूज करते हैं। तो कोई एक कंप्लीट वेबसाइट में डिजाइन करके और आप सभी से उसका डिस्कस करूंगा कि स्लाइस टूल का कैसे यूज करना चाहिए। आज हम लोग पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सीख। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का सिर्फ बहुत बड़ा यूज है, उसको आप ऐसे कह सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जो है उसका यूज ऐसे करते हैं कि कोई भी एंगल में कोई भी फ्रेम हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको अगर आप सीधी करना चाहते हैं, कट करके अलग से एकदम सीधी फ्रेम बनाना चाहते हैं, तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज करें। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इस टूल का। तो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक रखा हुआ है फ्रेम, दूसरे एक और ऑब्जेक्ट में इस बुक को हमने रखा हुआ है, इस मैगजीन को आप देख रहे हैं, इसको अगर सीधी करनी हो तो आप कैसे करेंगे। एक तो क्रॉप टूल के बारे में मैंने बताया ही था कि उसको स्ट्रेटन कर देते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको अच्छे से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से पर्सपेक्टिव टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद यहां पे जस्ट क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, यहां पे क्लिक किया, सभी कॉर्नर पे जैसे आप पेन टूल का यूज करते हैं बस वैसे क्लिक करते चले जाएं यहां पे, और उसके बाद आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट में क्लिक कर दिया, ये सिलेक्शन हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद देखिए रिजल्ट। यस, ये काम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का। अब चलते हैं इसका भी एग्जांपल एक देख लेते हैं कि इसके कॉर्नर पर आप क्लिक करें, यहां पे क्लिक किया और डायरेक्टली आप आ जाएं यहाँ पे। हो सकता है एक बार आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर ले, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग ठीक कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ क्लिक करें और लास्ट में इस कॉर्नर पे क्लिक कर दें। अब आप देख रहे होंगे कि बाउंडिंग बॉक्स में कई एंकर पॉइंट बन गए हैं। यहाँ पे एंकर पॉइंट बना हुआ है, यहाँ है, यहाँ है, चारों कॉर्नर पे बना हुआ है और बीच बीच में भी एंकर पॉइंट बन गए, यानी बाउंडिंग बॉक्स के चारों तरफ एंकर पॉइंट है। अब यहाँ पर ठीक से अगर नहीं कट रहा है तो आप सिर्फ इसको पकड़कर ऊपर कर दें, आप ऊपर कर दें, और उसके बाद जैसे ही आप यहां पर आएंगे एंकर पॉइंट पे कॉर्नर पे, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बदल जाएगा और इसको क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे अपने तरफ, जहां पर लाना है वहां पर लाकर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला भी है, इसको पकड़कर आप कॉर्नर पे लाकर सेट कर दें। और ये कोई जरूरी नहीं है, अगर एक बार में नहीं भी हो रहा है तो आप ओके कर लेंगे, उसके बाद भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको भी मैंने ला करके ऐसे सेट कर दिया और उसके बाद इसे भी ऐसे पकड़कर ड्रैग किया, सीधा कर दिया। अब जैसे ही यहां से यस करेंगे या इंटर करेंगे ये क्रॉप हो जाएगा। अब देखिए ये सीधी होगी। अब थोड़ी बहुत अगर बच भी गई है तो उसे भी आप ठीक कर सकते हैं, जैसे यहां पर बच गई है, इसको भी आप चाहते हैं तो दोबारा आप यूज कर सकते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो आई थिंक ये टूल आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल करिए। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कट करना हो, जैसे किसी ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हो जहाँ पे प्रोडक्ट वाली कंपनी हो, तो वैसी कंपनी में इस टूल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहां पे प्रोडक्ट को अलग करना होता है बैकग्राउंड से, तो उस टाइम इसकी जरूरत पड़ती है। आप इसका प्रैक्टिकल अच्छे से करें। दूसरी बड़ी बात है कि इसके अंदर जो यहाँ पे टूल आपको मैंने बताया, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये दोनों टूल मैं बताऊंगा जब एक कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन करूंगा, उसके साथ ही इसको बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप वेट कर ले, उसके बाद बताऊंगा। कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा बताएं। ग्राफिक डिजाइन में कौन सी डिजाइन कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सभी चीजों में डिफरेंस बता दें कि बैनर डिजाइन क्या होता है, पोस्टर डिजाइन, पोस्ट डिजाइन, गूगल डिस्प्ले एड्स, इन सभी चीजों में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या साइज होता है, कैसे डिजाइन करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं आप सभी के सामने आने वाला हूं कैमरे पे, तो आप थोड़ा सा वेट करें और मैं जब सामने आऊंगा तो सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा आप सभी के सामने। तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दें, आई थिंक 15 डेज के अंदर अंदर मैं आ जाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।